इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं sadaknama.com। हरियाणा का मशहूर चर्चित राजनीतिक गांव चौटाला, जननायक चौधरी देवीलाल का गांव चौटाला, और इस बार चूंकि पूरे देश में चौटाला गांव का डंका बजा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा में पहली बार इस गांव से 5 विधायक बनकर विधानसभा में पहुंचे। चूंकि कल से चौटाला गांव का नाम अच्छे के लिए नहीं बुरे काम के लिए है वो मशहूर हुआ है, और हम आपको बता दें कि डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन पर आरोप है कि वो डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट गुड़गांवा की भोंडसी जेल में उन्होंने कैदियों को नशा, मोबाइल और कई तरह के संदिग्ध सामान सप्लाई करने का उन पर आरोप लगा है। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं उनके एक साथी को भी, जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उनको भी पुलिस ने अरेस्ट किया है। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि वो एक बार पहले ही बर्खास्त हो चुके हैं, दोबारा सर्विस में आ गए थे किन्हीं कारणों के चलते। और चूंकि हम आपको बता दें कि हरियाणा में जहां पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, ईमानदार मुख्यमंत्री कहे जाते हैं, वहीं चाहे हम जेल मंत्री की बात करें, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला हैं, जो कि वो भी संयोग से चौटाला ही गांव के रहने वाले हैं, जननायक चौधरी देवीलाल के बेटे हैं, उनकी भी ईमानदारी पे किसी भी तरह का कोई शक नहीं किया जा सकता। रणजीत सिंह भी ईमानदार मंत्री हैं, लेकिन उनके ही गांव के एक अधिकारी जो कि कल से चर्चा में हैं, और आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा भी बताया जा रहा है कि हरियाणा की जेलों में बड़े स्तर पे ये धंधा चल रहा है, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें, चाहे ड्रग्स सप्लाई की बात करें, तो ये स्कैम है हरियाणा की जेलों में चल रहा है। और सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि हरियाणा की, चूँकि कुछ ही जेल है हरियाणा में, तो कुछ सेंट्रल जेल में जो है पोस्टिंग के लिए, चाहे डिप्टी सुप्रिटेंडेंट की बात करें या सुप्रिटेंडेंट की बात करें, तो वहाँ पे बहुत जो है मोटी राशि है ट्रांसफ़र की दी जाती है, लेकिन जहाँ मुख्यमंत्री और जेल मंत्री ईमानदार हो, तो वहाँ ये पैसा है वो किस अधिकारी को जाता है या किस मंत्री को जाता है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। धर्मवीर चौटाला के गिरफ्तार होने के बाद अपने आप में जहाँ जेल प्रशासन पे बड़े सवाल उठ रहे हैं, वहीं हरियाणा सरकार पे भी कई तरह के सवाल लोग उठा रहे हैं कि आखिर इतना बड़ा स्कैम, क्योंकि ये कह सकते हैं कि गुड़गांवा की भोंडसी जेल, और जिस तरह से कोई भी अपराधी अपराध करने के बाद जेल में जाता है और जेल में उनको इस तरह की सुविधाएं, चाहे मोबाइल फ़ोन की बात करें कि मोबाइल से वो किसी को भी जो है धमकी दे सकते हैं बाहर, या अनैतिक गतिविधि है उसको अंजाम दे सकते हैं, चाहे हम ड्रग्स सप्लाई की बात करें कि जेल में जो है मोटी राशि दे करके है ड्रग्स सप्लाई किया जाता है, चाहे अन्य कुछ सामान की बात करें, तो ये कई तरह के सवाल है उठाए जा रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर के। हालांकि ये हमें कुछ दिन से इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ लोग जेल में बाहर से नशीला पदार्थ और सेम वगैरह सप्लाई करते हैं, जिस पे हम नज़र बनाए हुए थे, और उसमें ये भी इन्फॉर्मेशन थी कि उसमें कुछ जेल के अधिकारी भी शामिल हैं। इस सारे उसमें हमने तैयारी करके और आज उनका पीछा किया, तो पीछा करने पे जो आदमी था वो नशीला पदार्थ लेके और जेल डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला के घर पे पहुंचा और उसको सिम और वो नशीला पदार्थ हवाले किया, जिस पे हमने उसको रेड करके और उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसको हमने कब्जे में लेके और उसको गिरफ्तार किया। पहले भी बता चुका हूँ, ये जेल सुप्रिटेंडेंट नहीं थे, ये डिप्टी जेल सुप्रिटेंडेंट थे, और इनके खिलाफ हम पता कर रहे हैं प्रीवियस रिकॉर्ड इनका, लेकिन ये पता चला है कि एक बार ये किसी आरोप के कारण डिसमिस हो गए थे, लेकिन फिर वापस सर्विस में आ गए, तो अभी इनका पूरा ब्यौरा तैयार किया जा रहा है और उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजी जाए। इसके साथ ये भी कह सकते हैं कि हरियाणा की तमाम जेलों में इस तरह की गतिविधि ना बढ़े, इसको लेकर के भी जेल प्रशासन है वो सख्त नज़र आ रहा है। और हम आपको बता दें कि जैसे ही हरियाणा के जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं, उन्होंने शपथ ली थी, तो उन्होंने ये वादा किया था कि हरियाणा की जेलों में उनको सुधार करेंगे वो, और सुधार करना होगा। लेकिन जिस तरह से इस तरह के बड़े चूँकि स्कैम नज़र आ रहे हैं कि ड्रग्स सप्लाई होना, मोबाइल फ़ोन बरामद किया, मोबाइल सिम बरामद किए जाना, अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हरियाणा सरकार के नोटिस में ये मामला जरूर आए। बहुत बहुत शुक्रिया।